नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपने देखा हेडिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ चैनल के साथ हमेशा बनी रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको इग्नू की तरफ से सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस। के साथ साथ ही बता दूँ दोस्तों कि आपको हमारे चैनल पर मिलेगा बहुत सारा और भी चीज़ जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे कि आरवी के एडवाइस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे अगर आप आते हैं तो आपको मिलती है आपकी लाइफ लव लाइफ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ मिलेगी आपको बहुत सारी लेटेस्ट, आपको नए नए टॉपिक्स अबाउट योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी आपके एमएसओ से लेकर आपके पीएचडी तक के जितने भी आपके यूजी पीजी के कोर्सेस हैं, सॉल्व पेपर के साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल पे ऑन डिमांड वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन भी मिल जाती है। तो जैसे कि आज एक कैंडिडेट ने ये कहा था हमसे कि बताइए कि क्या इग्नू में प्रवेश रद्द करने के बाद फीस वापसी की जाती है? क्या हम एक वर्ष के बाद इग्नू में प्रवेश रद्द कर सकते हैं? क्या मुझे इग्नू से रिफंड मिल सकता है? कंप्लीट प्रोसेस क्या है? जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों कि नए नए नियम इग्नू लेके आया है और इग्नू में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन दिनों हो रहे हैं और इग्नू ने अपने पुराने फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि आपके कोर्सेज में भी क्रेडिट सिस्टम लाके और उसी तरह सेमेस्टर वाइज बहुत सारे प्रोसेस इग्नू ने नए लेके आए हैं। तो उसी तरह से क्या इग्नू अब अपना फीस रिफंड करने की पॉलिसी को भी चेंज कर चुका है और क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, आपकी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व जरूर होगी। क्या हम एक वर्ष के बाद इग्नू में प्रवेश रद्द कर सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या आप रद्द कर सकते हैं। आप रद्द कर सकते हैं प्रवेश, कहीं भी अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो कैंसिलेशन हो सकती है कंप्लीट रूप से, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि आपका एक साल बीत चुका है तो क्या आप एक साल के बाद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप अपना प्रवेश रद्द कर सकते हैं। आपको इसके लिए बस इग्नू के क्षेत्र केंद्र को सूचित करना होगा, यानी कि आपके रीजनल सेंटर्स को आपको इन्फॉर्म करना होगा और उसके बाद इग्नू में आपका जो प्रवेश है वो रद्द हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपने रीजनल सेंटर्स पे जाके आपको ईमेल करना है। उस ईमेल आईडी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको सिंपली जाके ईमेल करना होता है कि आप अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि क्या इग्नू में प्रवेश रद्द करने के बाद आपको फी वापसी होती है? तो नहीं, जब आप इग्नू में फीस का भुगतान करते हैं, फी पेमेंट करते हैं आप, तो आपका पैसा उनके द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। इग्नू की पॉलिसी है कि वो वापस नहीं करेगा। इग्नू क्या जितने भी यूनिवर्सिटी है देश में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पे आपको बता दूँ कि ये पॉलिसी लागू है कि वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी कॉलेज आपको पैसे देने से मना ही करता है। जब आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपकी सीट बुक हो जाती है, उसी चीज़ का शुल्क लिया जाता है ताकि वे किसी और को ना दें। यानी प्रोसेस तो सिर्फ यही हुआ ना आपका एडमिशन्स का, तो इस सिचुएशंस में आपको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है जिसके बाद आपको वापस किया जाएगा। रीज़न बस इतना है, आपको जो फी वापस होगा, लेकिन उसका बस इतना है कि फी वापस आपको तभी होगा जब इग्नू आपको ये मना करे कि हमने आपका एडमिशन नहीं लिया। अगर आपका एडमिशन कंफर्म ना हो तब उस सिचुएशन में आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर आपका कंफर्मेशन हो चुका है तो रिफंड पॉलिसी नहीं है। दोस्तों इसी के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म्स में भी इसी तरह की पॉलिसी लागू है। आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए और आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो फिर भी आपको रिफंड नहीं दिया जाता। तो इस तरह से आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमें एडजस्टमेंट के बारे में, यानी कि क्या हम अपनी फ़ी को एडजस्ट करा सकते हैं। तो आप इस कंडीशंस में इग्नू हर बार अलग अलग पॉलिसी देता है, आप एडजस्ट करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते हैं। हर बार ये पॉलिसी इग्नू के पास नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप अपनी फी को
एडजस्ट करवा सकते हैं अगले कोर्सेज के लिए। अगले वीडियो में हम आपको उसके बारे में कंप्लीट रूप से नॉलेज देंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि इग्नू का हेल्पलाइन नंबर। अगर आप किसी तरह के प्रोजेक्ट हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट्स का कुछ भी इश्यू हुआ है या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी और आपका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपका इग्नू का जो भी यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट है कांटेक्ट नंबर का, इसमें आप कांटेक्ट कर लीजिए। चाहे आप किसी भी तरह की बात करें, इवैल्यूएशन डिवीज़न की बात करें, अगर इवैल्यूएशन डिवीज़न और सर्टिफिकेट ग्रेड कार्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं कांटेक्ट नंबर, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से पूरा का पूरा दिया हुआ है। हर तरह के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं। रीजनल सेंटर्स की ईमेल आई डी और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दी हुई है। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, अब ऑफिसर्स जो भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनका भी यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है, हर एक डिटेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इग्नू के बारे में जाननी आपको ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जो है इग्नू के कैंडिडेट हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, और एक सवाल जो यहाँ रह गया आपके लिए, वो हम आपको बता दें। जैसे कि आपको बता दें कि इग्नू की तरफ से आप जो ईमेल लिखोगे इग्नू को अपने रीजनल सेंटर में, तो वहाँ आपको बता दूँ कि ईमेल एड्रेस जो आपका है वो है youcanemail@csrc@ignu.ac.in। इफ रिक्वायर्ड यू मे स्केलेट एंड सबमिट योर ग्रीवेंस टू योर वेबसाइट एट ignu.ac.in पे। यहाँ पे आप जाके अपनी जितनी भी शिकायत है वो सारी शिकायत आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्षेत्र केंद्र यानी आपका जो रीजनल सेंटर्स है उससे आप कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो ये सारा रहा आपका एक एक करके सारे रीजनल सेंटर्स का कॉन्टैक्ट नंबर। और दोस्तों, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट नंबर में आपका बिजी आए या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ना लगे, उस कंडीशंस में आप ये कर सकते हैं, जाके अपने स्टडी सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और स्टडी सेंटर्स पर आप जाके ईमेल कर सकते हैं, और या फिर स्टडी सेंटर से आप एप्लीकेशंस, आप ऑफलाइन एप्लीकेशंस पेन पेपर मोड पे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है आपके एडमिशन कैंसिलेशंस की, लेकिन आपका पैसा तो रिफंड नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के अपना एडमिशंस करवाएं और एडमिशंस कैंसिल करवाएं, क्योंकि आपका साल और पैसा दोनों का दोनों यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नू में आप किस तरह से अपना मीडियम, कोर्स मीडियम और स्टडी मीडियम जो अपना चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को लाइक करना, जी हाँ सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।